अक्षय, देखिए अभी ये रुझान आ रहे हैं और अगर इन रुझानों को हम नतीजा मान लें, सिर्फ एक डिस्कशन के लिए हम इसको मान लें, जी जी, तो जो जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है 102 दिखा रहे हैं, कांग्रेस की 76 दिखा रहे हैं, इसको देख करके एक बात जरूर है कांग्रेस को कि जो हमने मेहनत की थी, जिस तरह से हम जनता के पास गए थे, जिस तरह से हमने मुद्दे उठाए थे, जनता ने उसको सकारात्मक रूप से रिस्पॉन्ड किया है। आखिर में निश्चित रूप से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गुजराती होने का, गुजरात अस्मिता को लेकर के और जिस तरह का उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, वो कैंपेन जो है वो अपने आप में काफी कुछ इस नतीजे के अंदर दिख रहा है। इस नतीजे में यह भी दिख रहा है कि गुजरात की जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन से भी खुश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री हैं उनको उस राज्य का होने का, उसके बाद में फिर जिस तरह से उन्होंने अपने बयानों में अपने आप को कहा है, वो शब्द जो उनको नहीं कहे गए उन्होंने स्वयं को वो शब्द जो है वो कह लिए, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें झलक हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप अंतर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच के जो सीट्स का अंतर है वो सिर्फ 10-12 सीट्स हैं जो कि इधर से उधर हो जाती।